वाराणसी, तो ये जो जगह है, मैं जिस जगह से अपना वीडियोस बना रहा हूँ, ये जगह है जो बनारसी के घाट से वहाँ से। तो अगर आप बनारस विजिट करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो रूट प्लान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ आने के लिए आपके पास 3 वेज होता है। एक तो आप रोड से आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो और एयर से भी आ सकते हो। तो यहाँ का जो प्राइम स्टेशन है, मैं ट्रेन से आया तो मैं ट्रेन के बारे में जानकारी दे सकता हूँ और रोड्स का थोड़ा बहुत तो दे ही सकता हूँ। तो यहाँ पर जो प्राइम स्टेशन है, जहाँ से मतलब कहीं भी इंडिया के जो भी सिटीज़ है दूसरे सिटीज़ से जो कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे तीन यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन है। एक रेलवे स्टेशन से आपका मुगल सराय, दूसरा है वाराणसी और तीसरा है काशी। तो आपको अब चेक करना होगा कि आपका ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुक रहा है और वहाँ से आप फिर ये घाट के लिए आ सको। मोस्टली मैंने बनारस स्टेशन से आया तो वहाँ से अराउंड 15 to 20 minutes लगे मेरे को यहाँ पे आने के लिए। उसमें ट्रैफिक जाम हो सकते हैं और अराउंड जो ऑटो का भाड़ा था वो अराउंड 10 या 15 rupees था। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आई डायरेक्टली वेंट टू बनारसी का घाट जो है, और वहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छा सनराइज एक्सपीरियंस करने को मिला। तो अभी मैं बनारस का जो घूमने का जगह है, जो घाट है, वहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और इस जगह से अभी मेरा प्लान है कि मेरे पीछे जो बोट राइड्स है, मैं उधर बोट में चढ़ूँगा और उधर में जाने के बाद मेरा प्लान है कि उस साइड पे आधे घंटे के लिए रुकने के लिए मिलता है। तो जहाँ पे भी हो, सबसे सस्ता जिधर होगा मैं उधर से जाऊँगा। अभी देखता हूँ कि मेरे लिए ऑप्शंस क्या क्या होता है बोट में चढ़ने के लिए। ऐसे तो बनारस के जो घाट्स है उसमें कुछ अलग ही मज़ा लग रहा है। सुबह मैंने 5 बजे आया था इधर ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 7:30 बजे। तो अभी तक मैं अपना ब्लॉग्स बना रहा हूँ, शूटिंग ही कर रहा हूँ। मतलब ऐसा मेरे को फील आ रहा है इधर में आने के बाद कि जो जगह है इधर को छोड़ने का मेरे को जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ मैं चढ़ता हूँ। ये आपका कौन सा बोट है? मैं जिस जगह से अपना ब्लॉग बना रहा हूँ अभी मैं बोट पे हूँ, और वो जो घाट है मेरे पीछे उधर से लेकर के मैं इधर तक जा रहा हूँ ऑन बोट राइड। तो नॉर्मली यहाँ पे 2-3 घाट है, तो वहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, जो राजेंद्र घाट से वहाँ से अगर आप बोट राइड लेते हो तो वहाँ पे आपको जो बोट वाले वो बोलेंगे कि आप 300-200 पे लेके चलो, आपको पूरा बोट रिजर्व करने के लिए बोलते हैं। लेकिन उससे अगर आप 2 घाट आगे जाते हो तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मली जो है शेयर बोट चलते हैं, जैसे कि हम सब मिलके ये बोट शेयर किए हैं। तो इस पर आपको अराउंड 30 rupees पे इधर से आना और जाना दोनों हो सकता है। तो आप सोचो कि आपको करना क्या, अगर आपको जाना है रिजर्व करके तो अपना 300 rupees लगाओ या 200 rupees लगाओ और इधर का आर पार हो जाओ। अगर आपको जाना है कि मतलब थोड़ा बजट में ट्रैवल करना है तो इधर से उधर चले जाओ, वो ऑप्शन आपके ऊपर है। तो अभी जो बोट राइड है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। उस साइड पर अभी हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कि आधा घंटा जो है वहाँ पर बैठने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो भी अपना खुद का फ्री टाइम देने के लिए, और उसके बाद फिर उधर जाने का है। तो अभी देख
वो रहा मेरे सामने जो है कैमरे के सामने जो है बनारस सिटी, और उधर से मैं अभी इस साइड पे आया हूँ ये बोट से। तो अभी जो है मैं इस साइड पे आके अपना ब्लॉगिंग करूँगा, और मेरा प्लान है कि मैं इधर नहाऊंगा अभी, लेकिन मेरे पास अभी टॉवल भी नहीं है और एक्स्ट्रा क्लोथ भी नहीं है। मेरा कोई नहाने का प्लान नहीं था, मेरे को जल्दी जाना था, और ऐसे कुछ बोट राइड्स का मैंने प्लान भी नहीं करके आया था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सुबह अराउंड 7 बजे इधर बैठा हुआ था, तो एक फ्रेंड मतलब जो भी एक लोकल बंदा मेरे को आके ऐसे ही बोला, वीडियोज़ बना रहे हो, यूट्यूबर हो, तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि उधर का एक घाट है, उधर उस साइड से घाट है, तो वहाँ से अराउंड 200-300 जिसको जैसा होता है वैसा मांग लेते बोट में। लेकिन उसके बगल में इधर से एक घाट है, मतलब उसके दो घाट के बाद, तो वहाँ पे अराउंड 30 रुपीज़ में आपको एक बोट राइड मिल जाएगा उधर से लेके इधर तक। तो यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला एज ए लोकल फ्रेंड, और वो कैमरे पे आना नहीं चाहता था, तो उधर से घर चला गया और मैं भी इधर हूँ, और इधर से मैं अपना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी प्लान है कि मैं इधर से थोड़ा नहा लेता हूँ, और इधर से नहाने के बाद फिर मेरे को उधर जाना है, देखता हूँ कितना जल्दी निकल सकते हैं। गर्मी का टाइम है और मेरे को तो ऐसे नहाने का मन कर रहा है, तो अभी मैं जो अपना कपड़ा उधर ये जो बोट है इसे मैं आया था, तो अभी इसमें मैं अपना कपड़ा खोल के रखा, तो अभी इधर से मैं नहाऊंगा और ये गया। लोग जो है मेरे साथी है, मैं जिस बोट से आया था ये लोग भी उसी बोट से आए हैं, और ये लोग यहाँ पे कुछ एंजॉयमेंट मस्ती कर रहे हैं। आप इधर के हो क्या, बनारस के हो? वाराणसी। आप भी बनारस से ही हो? यस यस यस। मेरे पीछे जो जगह देख सकते हैं वहाँ से अभी मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, और यहाँ जो है यहाँ घट कर मैं निकलूँगा, मतलब ऑलरेडी निकल चुका हूँ यहाँ पे, और 5-10 मिनट में मैं पहुँचने वाला हूँ। और ये जो बोट है मेरे सामने देख सकते हो, ये बोट को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किए थे, जो था इनॉग्रेशन किए थे, तो इस पर फुल AC है और भी बहुत कुछ है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर आपको यहाँ पर जाना है तो ये अराउंड 2000 या 3000 रुपीज़ लेते हैं पूरा घुमाने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये बोट, ये पूरा बनारस का एक साइड से दूसरे साइड पूरा घूमता है ये बोट।